जाना तो अरे ये क्या हाल बना रखा है, अभी तक काम का वक्त नहीं हुआ क्या? अरे बहुत नींद आ रही है, बाद में। ए मान जा, जरा अपने सामान पे ध्यान दे। सामान? हाँ भाई, तुम्हारा घटिया सामान। अरे कौन है ये नौटंकी? तू? क्या यार, अरे सलाम बल्ब है यार। ए डरो मत, बल्ब के ऊपर पानी गिराओगे तो फटेगा ना, ऐसा थोड़े ना। मेरी फट गई यार। क्या बेवकूफ है, कितना डरता है। अरे छोड़ो छोड़ो, चलो ऐसे बोलता है ये। अरे फालतू लोग, कसम से। ए मंजा 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 मंजा, बल्ब फट गया यार। अरे कहाँ बल्ब फटा, कैसा आदमी है, काम होने वाला था तूने उठा दिया। अरे चल दिया, सोने दे। अरे बच्चे फट गया यार, मैं क्या, अरे तुम मेरी बात नहीं मान रहे, बल्ब फट गया यार। बल्ब फट गया ना यार, मैं नया बल्ब खरीद दूंगा, अब चुपचाप सो जा। अरे चुप रहो यार। अरे तुम्हारा सामान किधर है? क्या है, बल्ब और तुम्हारा सामान? चुप, सामान सामान बोलता रहता है। अरे क्या बोलूं तुम्हारा सामान, कुछ भी डर लग रहा है यार। अरे सामान के बारे में सोच के मुझे डर लग रहा है यार। अबे बेवकूफ कहीं के, कैसे आदमी मेरे साथ रखे हो। अरे चुपचाप सो जा यार। है छोड़ो, हमेशा बकवास करता रहता है, सो जा। अरे क्या करूं मैं, मुझे उत्तर काम पे जाना है यार, तुम लोग समझ नहीं जरा, टाइगर भाई से मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मेरी किस्मत ही खराब है यार, भुगतना मुझे पड़ेगा ही। अरे उठो यार, तुम लोग कसम से तैयार हो जाओ, टाइगर भाई छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। अरे हाथी के ऊपर हाथी, उसके ऊपर तुम, हंसते हुए मिठाई खाना। अब बदमाशी नहीं करने का। वो देखो आ गया तुम्हारा डरपोक मामा चंद्रू। कैसा है चंद्रू? हाय हाय, अच्छे हो ना तुम? और क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? अरे वो तो ऐसे ही जिद करती रहती है, आओ बैठो यहाँ पे। तुम कॉफी वॉफी ज्यादा पी लिया क्या? अरे मेरी तो अभी खत्म हुई है, मैं वॉक करने के लिए आया था, डेली यहाँ पे आकर देखने से अच्छा लगता है अंदर। अरे मुझे है। तो ऐसा हर दिन एक आदमी से मिलना पड़ता है, अगर जिस दिन ना मिलूं तो टेंशन हो जाता है, क्या करूं, किस आदमी से मिलूं कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे यार आप तो इस उम्र में भी यंग लगते हो एकदम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं अपनी मनमानी करता था। आपसे एक सवाल पूछने का दिल कर रहा है। क्या सवाल है पूछो? लव के बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में अगर कुछ बोलना है तो मेरी सोच के मुताबिक इस हिसाब से लव नहीं करना चाहिए। अच्छा। ऐसा सोच रहा हूँ और मैं लव करने के लिए भी सोच रहा हूँ। ये दोनों इंसान में पाया जाता है। अगर कोई सामने से लड़की आई और तुम उससे प्यार करने लगे तो घर वाले मिलकर तुम्हारी शादी उस लड़की से कर देंगे। इसलिए बड़े लोग बोलते हैं कि हाथी को बांध के खाना खिलाना चाहिए और घोड़े को दौड़ा दौड़ा के पालना चाहिए और लड़की को मसाज कर करके पालना चाहिए। ये जो हम प्यार व्यार सोचते हैं ये प्यार नहीं, आकर्षण है। वो क्या है ना कि तुम जिसे चाहते हो वो लव जैसा नहीं है। जब तुम पार्क में दौड़कर जाते हो, उधर से लड़की आती है, तब तुम देखते हो और उससे प्यार होने लगता है और वहाँ से प्यार व्यार का आशिकी उस पर सवार हो जाता है। एक हिसाब से वो लड़की तुम्हें इस पार्क में मिल भी सकती है। मेहरबानी करके मुझे माफ कीजिए, ये प्यार व्यार लव मोहब्बत इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। ठीक है, बस मेरा मूड मत खराब कीजिए, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। बाय, कल मिलते हैं, बाय। हाँ चलो बेटा चलो। ना 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 गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारे नाइटिंग स्कूल के चेयरमैन बच्चे लोगों के भविष्य की केयर को लेकर हमारे इधर कर्मचारी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से आज का चिल्ड्रंस डे पर हम सुब्बा कांचनों का अभिनंदन करते हैं। आज के दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, उनके यादगार का दिन है। वैसे ही आज के दिन में उस वजह से आपके भविष्य को लेकर बात करने के लिए मंच पर आ रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट के मालिक
सूर्य ठाकुर जी साहिब आप सबको उत्साहित करने के लिए और बात करने के लिए आने वाले हैं। उनका हम इस सभा में जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इस शुभ फंक्शन के समारोह में चिल्ड्रंस डे के अवसर में आपके भविष्य के बारे में सूर्य ठाकुर जी आपसे बात करने के लिए कुछ शब्द कहेंगे। नमस्कार, आप सभी को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक बधाई हो। बच्चों, आप सभी हमारी इस मिट्टी के, इस देश के भविष्य के नायक हैं। आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ हूँ। आप सब लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सब लोग मेरी ये ताकत हो। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। आप लोगों की खुशी मेरी खुशी है। बड़े भैया ने हमेशा ये बात कही है कि सम्मान बड़ा नहीं होता, संस्कार सबसे बड़ा होता है। पैसा बड़ा नहीं होता, गुण सबसे बड़े होते हैं। उनकी कही हर बात का मैं पालन करता हूँ। भगवान आप सबको खुश रखे। नमस्ते। चंद्रू, चंद्रू, क्या हुआ? अरे वो औरत नीचे गिर गई। अरे ऐसा है क्या? तो फिर मैं भी आता हूँ। अरे वो आटा लेने गई थी। अरे हर रोज खुद ना कुछ बहाना बनाते रहते हो तुम लोग। अभी टाइगर बम आएगा तो इंग्लिश से ही बोल बोल के मार देगा। अरे ठीक है, छोड़ो, मुझे कुछ करना है। अरे सुन पागल, तुम लोग भी ना बच्ची करवाएंगे। तुम सब ना गधे हो। अरे तेरी, अरे यार, सर, what is this? Sorry sir. You stupid idiot. Can't you look properly? Very Chandru. Call him fast. चलो जल्दी करो. English bombard. Go and do your camp first. Nonsense. मेरा body is chilling. This is nonsense. हाँ. वैसे चंद्रन तुम्हारा कैसा चल रहा है डिलीवरी वाला काम? हाँ? भाई काम बहुत आराम से चल रहा है, जिंदगी शांत से चल रही है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखो, तुमसे मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। हाँ, बात क्या है? देखो भाई, एक लड़की इसी पार्क में तुमसे 3 महीने से तुमसे प्यार कर रही है। उसी दिन मैंने बोला था ना, ये लौशाओं का लफड़ा मुझे पसंद नहीं है। सिंगल लाइफ में बहुत मजे में आ रहा है। तुम ऐसा बोल रहे हो ना, वो लड़की छोड़ना नहीं चाहती तुम्हें, वो लड़की मुझसे बोल रही है। भाई मैं उस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ। देखो भाई, जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब हमारे पीछे जो आने वाले होते हैं वो हमसे सच्चा प्यार करने वाले होते हैं। भाई आपको एकदम लॉजिक सिंपल सी बता रहा हूँ, सिंगल लाइफ जो रहती है ना वो बहुत आराम से चल रही है, कोई लफड़ा नहीं मिलता। देखो आज तो तुमसे बहुत प्यार करती है और दिल में ठान लिया है। उस लड़की ने कहा कि मेरी मुलाकात किसी तरह से चंदू से करवा दो। इधर ही रहती है क्या? हाँ इधर ही रहती है, इसी पार्क में रहती है। इधर यहाँ पे? हाँ, कौन है वो? वो देखो, एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये बहुत अमीर लगती है लड़की। अरे भाई यार, मैं अमीर गरीब कुछ भी नहीं होता यार। वो देखो लड़की इधर ही आ रही है। अरे भाई, अरे बहुत अमीर लगती, लड़की लगती है अपने। अरे वो देखो आ रही है, अपने स्टैंडर्ड की नहीं है। भाई भाई भाई, रुको, क्या कर रहे हो? और मुझे रुको तो। अरे कैसा पागल लड़का है, आपने बात नहीं किया? अरे बात क्या तुम्हारे बारे में, सुनकर वो भाग गया। डरपोक कहेगा, वो डरपोक है बेटी, डरपोक है वो। डरपोक है इसलिए तो आपसे बोल रही हूं ना। एक काम करो, मैं उसका फोन नंबर देता हूँ, रात में फोन करके उसके दिमाग को खाओ। उसके बाद भी रास्ते पर नहीं आए तो जब कल तुम सुबह पार्क में आओगी, जब वो अकेला दिखेगा तो उसे धप से पकड़ लेना। अरे अपनी औकात नहीं, अपन एक पिज्जा कंपनी में काम करते हैं।
अरे बेकार में डर डर के मरो मत यार। नहीं यार, अपनी औकात में आदमी को रहना चाहिए, फालतू में फंसे में। अरे तुम किसी भी बात को लेकर डरो मत यार, मैं हूं ना भाई। वैसे बात क्या है चंद्रू, कुछ विशेष? ए, काम धंधा छोड़ के कहाँ चले गए थे? अरे उसे छोड़ो, हमारे चंद्रू को किसी से प्यार हो गया है। ऐसा है क्या? फिर तो ये मर्द बन गया है। अरे क्या खिंचाई कर रहे हो, मुझे ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है भाई, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं फंसना है सब में। तो फिर कैसे पता चला? अरे प्यार व्यार एकदम लफड़े वाले सब, एकदम बड़े घर की लड़की है और अपन की एकदम कड़की है यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, अपने लायक नहीं है अपन। अरे तू डर क्यों रहा है? हाँ मैं हूँ ना अस्यापर मुनि का बेटा। विश्वामित्र ऐसा बोल रहे हो? तू चुप कर कुत्ते। चंद्रू किसी भी बात को लेकर परेशान मत होना, पाव बेचने वाला काला गड़ा गौड का बेटा मान जाऊं, पूरा का पूरा हिला के रख देता हूं, तुम बिंदास आराम से लग यार। मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए सुनना, कल से ही लड़की पढ़ाना शुरू करता हूं। चंद्रू चैत्रा। यस सर। आज का हमारा शेड्यूल क्या है? सर सबसे पहले मंदिर जाना है, वहाँ पूजा पाठ होने के बाद बेटी जंक्शन के पास एक अनाथ आश्रम है जो हमें 4-5 दिन से फॉलो कर रहे हैं, हमें विजिट करना है। उसके बाद प्री स्कूल विजिट करना है सर। हमारे एरिया के इंस्पेक्टर को आपने कॉल करके इनवाइट किया? जी सर, मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है। मैडम मैडम। यस मैम। सर का इंटरव्यू लेना था हमें। आज नहीं होगा, आज वो बहुत बिजी हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए हम आए हैं, प्लीज जरा देखिए। नहीं आज तो उनकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सिर्फ 5 मिनट इंटरव्यू लेकर हम निकल जाएंगे मैम। अभी बोला तो नहीं होगा तो नहीं होगा ना। ओके मैम, थैंक यू, बाद में आते हैं। चैत्रा सर। कौन है बाहर? सर वो मीडिया के लोग हैं। बुलाओ अंदर। हाँ अंदर आइए। सर नमस्ते। सर क्या बात है मैडम? आपका इंटरव्यू लेना था। किस लिए? वही सर, आपके एरिया में बच्चे लोगों को अगवा करना और ऊपर से बलात्कार होना, आप कॉर्पोरेट होकर आगे क्या करना चाहते हैं? हम हमारा काम पूरी मेहनत से कर रहे हैं,
पुलिस को भी इस बारे में हमने बता दिया है। सूर्य ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है आपका। ये सब हमारे नाम को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें हमारे ऑपोजिशन पार्टी और उनके अलावा भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। हम अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है सर। जो कोई भी शामिल है उसे सजा जरूर मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर अभी तक आया नहीं। सर की दे दीजिए सर, मैंने एकदम करेक्ट जगह पे पार्क किया हुआ सर। सही बात है तुम्हारी, नो पार्किंग का बोर्ड यहाँ है और तुम यहीं पार्क कर रहे हो। तुम्हें किसी सही जगह पे पार्क करना चाहिए था ना सर। प्लीज सर, मैंने राइट जगह पार्क किया सर, मैं करेक्टली पार्क किया। अगर आप परेशान करोगे मैं 00। ज्यादा आवाज निकल रही है। ज्यादा आवाज निकलेगी तो फाइन भी ज्यादा ही लगेगा। अरे तो इसके लिए मैं क्या करूं सर? सिखाओ मत, जाके साहब से बात करो। अरे इन पुलिस वालों की बहुत मगजमारी है यार, आम जनता को जबरदस्ती परेशान करते रहते हैं। अबे इसकी परेशानी क्या है? सर उसने पार्क तो सही जगह ही किया है सर, मैं ही उसे पकड़ के लेके आया हूँ। जैसे मुझे बोला था वैसे उसके पास मत बोलो, बस उसको तो नो पार्किंग का फाइन लगा के 1000 रुपए कलेक्ट करो। घर पे जाके उस पैसे तो 2 किलो मुर्गा और एक हमेशा की तरह, जानते हो ना, एक बड़ा खंबा, उसे लेकर जल्दी आओ। तुम बिल्कुल देर मत करना, समझे? चलो घर पे आओ। ए इधर आ। ऐसे लोगों की वजह से पुलिस का नाम खराब होता है। अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? सर मैंने गाड़ी एकदम राइट जगह के ऊपर पार्क किया हुआ था सर। ए कानून मुझे सिखा रहे हो क्या? वो नो पार्किंग जगह है और वो रोज राउंड मारने वाला है। फाइन भर के गाड़ी लेके जाओ। सर माँ की कसम सर, मैं सही जगह पे पार्क किया हूँ। ए मुझसे बहस मत करना, मारकर अंदर कर दूंगा। सर ये तो फेसबुक पे लाइव जाने की धमकी दे रहा है। डाल दोगे क्या? डालो देखते हैं। सर आप लोग इस तरह पब्लिक को परेशान करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा सर। अरे सुनो बसिया। हाँ सर। उस महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था वो इसको बोलो, जाओ इसके साथ। समझ में आया तुझे? तेरे साथ भी यही होगा। अच्छे से जाके समझाओ, अभी जाओ इसके साथ। करो सर मेरे पास पैसे नहीं है सर। ले लो और गाड़ी भेजो। चल चल अंदर। अरे यार सर, चल सर समझो सर प्लीज। सर ले लिया ना? सर ले दिया। दिया क्या? हां सर। सर वो तो मैं आपसे बताना ही भूल गया, वो कॉर्पोरेटर सर कब से हमारा वेट कर रहे हैं सर। अरे पहले ही बोलना चाहिए था ना बेकूफ। सॉरी सर, आजकल उसकी परेशानी भी ज्यादा हो गया है। आइए सर, आइए सर। दरवाजा बंद करके आओ। जी सर। नमस्ते सर। बैठ जाइए सर, आपने आने के लिए बोला। इस एरिया में क्या हो रहा है कुछ जानते हैं आप? क्या हो रहा है सर बताइए। बच्चों की किडनैपिंग, रेप, ये सब कुछ हो रहा है सर। ये मेरे भी संज्ञान में आया है। तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? सर हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, कुछ खबर भी मिली है, बहुत जल्दी हम गुनहगारों को पकड़ लेंगे। आप यकीन मानिए वो जल्दी ही जेल में होंगे। आप ही के इलाके के लोग इसमें शामिल हैं ऐसा पता चला है। सर पुलिस का इलाका बोल के सबने मजाक बना रखा है। अरे पुलिस का इलाका छोड़िए, आप खुद इसमें शामिल है मुझे अच्छी तरह पता है। सर खाकी वर्दी जिन्होंने पहना है उसके ऊपर अनुमान तो रहेगा ही सर, लेकिन गुनहगार कौन है इसका पता चल जाने के बाद सच क्या है बाहर आ ही जाता है। जनाब बोरा जी ये आपके लिए फाइनल वार्निंग है, इस तरह की कोई भी घटना हमारे एरिया में नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा सर, मैं संभाल लूंगा। ठीक है क्या मैं निकलूं? नमस्ते सर। सर एक इंटरव्यू सर। अरे क्या तुम लोग माइक लेके पीछे चल जाते हो? माइक को दूर रखो। क्या है क्या है, पूछो जल्दी। सर बस एक इंटरव्यू चाहिए था। बेटी मुझे राउंड पे जाना है, जल्दी पूछो क्या पूछना है। सर आपके एरिया में बच्चे लोगों को अगवा किया जा रहा है और रेप केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं सर? तो आजकल इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है बेटी। हमारी पुलिस फोर्स इलाके के लोगों के साथ मिलकर, हमारे कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करके इस बारे में कुछ सुरक्षा के बारे में कुछ बेहतर काम करने की सोच रही है। नहीं सर आपका नाम भी सामने आ रहा है कि आप भी उसमें शामिल हैं। इस तरह के सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। कानून अपने हिसाब से जिस जिस काम को करना है उसे करती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या बोल रखा है? लोगों की हमेशा भलाई करने के लिए बोला गया है सर। सुन लिया ना बेटी, उसी हिसाब से मैं लोगों की भलाई का ही काम कर रहा हूँ। चलता हूँ बेटी। थैंक यू सर। बैठिए सर। हाँ बोलो। पापा थे। हाँ इसलिए मैसेज नहीं किया। हाँ ठीक है चलेगा। मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? अरे पसंद नहीं है तो ऐसा बोल लो, बिना पसंद के कोई लव करता है क्या? तुम मेरे साथ कोई ड्रामा कर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। इस लव में क्यों गिरने का, नहीं बोला तो नहीं। ओ, अच्छा क्या हुआ? अरे बेताल भी थोड़ा गैप दे देगा,
लेकिन लड़कियाँ ऐसे नहीं होती हैं। 24 आवर कनेक्टेड होना चाहिए। अरे बहुत हुआ, बस करो तुम्हारी परी कथा को। मैंने तुमको पसंद करके ही प्यार किया है, तुम पसंद करते हो या नहीं ठीक से बताओ। पसंद है, पसंद है, पसंद है। और भी चाहिए? ठीक है, मैं घर के पास आती हूँ। पर अभी मैं घर के बाहर हूँ, आउटसाइड में हूँ। मुझे कुछ तो हलचल महसूस हो रही है तुम्हारे पास। मुझे कुछ डाउट लग रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सुन रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो? ये क्यों ऐसे देख रहा है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर चल क्या रहा है? पसंद है बोला था ना, माकस। ये क्यों ऐसा देख रहा है? पसंद है या नहीं बताओ, एक से तुमको कंटिन्यू करने का भी नहीं होता है। अरे अरे सुनाई दे रहा है या नहीं? हेलो हेलो यार, जान के पीछे पड़ गए। यार तू है क्या? मैं हूँ। डर गए क्या? डरपोक। मैं कितना डर गया था पता है क्या? एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। अरे बाप रे, क्यों आई इधर? मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अभी भगा दोगे। ठीक है मैं चलती हूँ। अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ, अंदर आजा बस। अब आए ना रास्ते पर। अरे ये बता, इस एड्रेस का कैसे पता चला? इस घर को तो मैं जानती हूँ। जानती है? हाँ। कैसे? ये घर मेरा है ना। घर तेरा है? अरे इसका मतलब है मेरा घर तुम्हारा घर, तुम्हारा घर मेरा घर। तुम्हारे डायलॉग को सुन के शौक हो गया हूँ मैं। चलो वैसे समझ रखे। क्या बात है, इतना बड़ा घर ले रखा है। अरे ये पिज्जा डिलीवरी का काम बहुत मुश्किल है। रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया मेरे को, पता है क्या? ये पुलिस वाले लोग भी बहुत करप्ट लोग हैं। जबरदस्ती का मुझसे फाइन मार रहे थे यार। गाड़ी राइट जगह करे जगह पक्के फिर भी परेशान कर रहे थे। अरे क्या बोलूं यार। ऐसे क्यों देख रही है? अरे क्यों ऐसे बैठे हो? नहीं ऐसे देखने का मतलब क्या? अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हम कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे? शादी कब करेंगे? साफ साफ बताओ मुझे। शादी के लिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, उसको फिलहाल छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं। ये गुस्सा किस लिए? तुम मेरा सोना है, प्यारा है। इधर आओ। अरे क्या यार, इधर आओ ना। क्या लग रहा है यार तू? वाओ। हे इस मोबाइल को निकालने किसने बोला तुझे? आपके दादा ने मैडम। बेकार में मेरे दादाजी को इसमें घसीट रहे हो, मेरा मोबाइल तमीज से दे दो। अरे फोटो निकाला हो, FB पे अपलोड करने। एक मिनट रुक जा, इतना क्यों बड़क रही है? तुम्हारी एक मोबाइल खरीदने की औकात नहीं है? कुछ भी बेसिक सेंस है तुम्हें? कुछ भी बकवास करते रहते हो तुम। हाँ औकात के बारे में बात नहीं करना, तुम्हारे फोटो निकालना था तो तुम्हारा मोबाइल लिया। तुम कितने बड़े कंजूस हो, सारी दुनिया जानती है। तुम कुछ भी करो पहले मोबाइल वापस करो। अरे किसको चाहिए तुम्हारा मोबाइल? अरे मेरा मोबाइल क्या फेंका? अरे फेंकने के लिए तुमने ही बोला। ऐसे घमंडियों के लिए कोई जगह नहीं है। इससे भी ज्यादा महंगा मोबाइल खरीदा नहीं तो शॉप में पैर नहीं रखूंगा। बड़ा आया महंगा मोबाइल खरीद। अरे जा रहे, मोटी बुद्धि मोटा शरीर। अरे शांत रहना। अरे बस चुप हो जा। अरे चुप हो जा यार, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे शांत रहना यार। ए क्या यार, इसको देखना यार। अरे यार तू क्यों रो रहा है? ए ये तो रो ही रहा है, लेकिन तुझे क्या हुआ यार? वो क्या हुआ ना, पिज्जा हट में आज वो नागमानी का मोबाइल मांगा था सेल्फी लेने के लिए। गंदी गंदी गाली देने लग गई यार। लेकिन क्यों? चाचा चैलेंज देकर गया उसको, उससे महंगा मोबाइल खरीद के दिखाऊंगा उसको। तू महंगा मोबाइल खरीदेगा? पैसे कहाँ तेरे पास? वो अकाउंट के अंदर ना 10K पड़ा हुआ अभी। शांत हो जा यार।
मोबाइल इम्पोर्टेंट है क्या? यहाँ तेरा दोस्त रो रहा है, तू इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ यार। चंद्रू क्या यार, जरा दोस्तों के बारे में भी सोचा करना। नागमणि को क्या जवाब दूंगा? अरे यार तू मेरी एक बात सुन, ये सच्चा लव करता था, अभी अभी इसका ब्रेकअप हुआ है यार। क्या करने के लिए बोल रहे तुम लोग? देख तेरे पास 10,000 रुपए है ना, तो उसमें से थोड़े से पैसे इसको दे दे यार, ये दारू और बैंक में पड़ा है पैसा यार। देगा ना तू चंद्रू? अरे मैं क्या करूँ यार, कैश नहीं है मेरे पास भाई। जरा वो पैसे मेरे हाथ में देना यार। नहीं है अरे तो कार्ड दे देना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, पैसे निकाल के दारू ले आऊंगा। मेरी बात सुन, तू बस अपना कार्ड दे मुझे, ये हुई ना बात, अब तू मेरा कमाल देख। हाँ हेलो, जितनी जल्दी हो सके दारू यहाँ लेकर आओ, अभी इसी वक्त। अरे क्या हो क्या यार, शांत हो जाओ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ यार। अरे मांझा तू मत रो, अगर तू रोएगा तो मैं भी रोऊंगा। बस क्या करूं यार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अभी क्या परेशानी है, कैश तो दे दिया तुम लोगों को, फिर भी परेशान हो? ए देख अपने दोस्त को ठीक से देख। प्यार किया था चंद्र, मेरी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। एक ही बात बोला था, तू बोला था मेरी जान है, दिल है, और उस दिल को चीर के रख दिया। यार एक लड़के के दिल के साथ खिलवाड़ करना गलत है, गलत है। यार देख देख, मैं एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, ये जो लव है ना, ये लव इस ग्लास की तरह है। इतना ही मेरा मतलब है, अब आगे खुद समझ लो। मैं क्या बताऊं यार, ब्रेकअप जो हुआ उस वजह से मुझे रोना नहीं आता है यार। अभी भी तुमने बोला ना वो सच है। मैं सो गया था, इस वजह से ब्रेकअप हो गया है। तू कैसा जानता है यार, बोला तो ब्रेकअप को दर्द, तू एक फ्रेंड का दर्द नहीं समझता है। अरे तू छोड़ मुझे। अरे चुप रहो, मत करो। अरे क्या खा रहे हो? खा, मेरा दुख बड़ा नहीं है, पेट की भूख बड़ी है। आज मुझे जिंदगी का सच पता चल गया है। हमेशा लव में ऐसा ही होता है, बोला चाहे 16 साल की हो या 26 साल की लड़की हो, हमेशा लव में ऐसा ही होता है। तू आज मुझे एक बात बता, ये सेक्स में और विक्स में क्या अंतर होता है? विक्स इधर लगाया तो विक्स, और सो कर लगाया तो सेक्स। अगर तू इसे मार देगा तो फिर हमें पिलाएगा कौन? डायलॉग सुन के ना मेरे को हंसी आ रही है। हंसी आ रही है तुझे? एक फ्रेंड के दुख को देख के तू हंस रहा है कमीना? यार क्या तू, अरे यार क्या कर रहे हैं? मैंने बोला था ना इसकी दोस्ती नहीं चाहिए हमें। भाग यहाँ से। घूम रहा पान और दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तुम मुझे पार्ट मत पढ़ाओ। दारू भी नहीं पीनेगा, हानिकारक है। मेरी लवर भी इसी की तरह छोड़कर चली गई। दोस्त भी हानिकारक है। जा। उसकी कोई बहन भी है क्या? थोड़े खा के यार, उसकी माँ है। ठीक है, मिर्ची खाए। अबे मिर्ची खा रहा है। सलाम सीता, भाई सोने के लिए जा रहा हूँ। अरे मेहरबानी करके तू चला जा भाई, वापस मत आना। कैसे सुबह रेडी कर देने का? नागमणि का समाचार जानते हो ना? अरे छोड़ूंगा नहीं कमीने। चल जा। ऐसा मेरा कोई इधर फ्रेंड होता है क्या? ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मंजा, वो तू रात में बोल रहा था ना कि तेरा ब्रेकअप हो गया लड़की से, वो लड़की कौन है यार? ब्रेकअप? और मुझे?
अरे मुझे कैसा ब्रेकअप यार, मैं तो लड़की के पीछे नहीं जाता हूँ तो मैं तो उससे कोसों दूर रहता हूँ। ऐसा ही हूँ मैं। हाँ वैसे मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो ब्रेक नहीं लगाता हूँ, फिर इसमें ब्रेकअप कहाँ से आ गया है? तुम आंटी के पीछे क्यों पड़ जाते हो? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। आई एम आल्सो परफेक्ट। कभी मुझे एक्सपीरियंस वाली गाड़ी मिलेगी ना तब पता चलेगा मुझे। वो भी एक हिसाब से एक्सपीरियंस है ना यार। चुप रहना, क्या बकवास करता रहता है। क्या रे, रात की दारू पी हुई उतरी की अभी भी बाकी है? दारू? इस शब्द को सुने हुए बहुत साल हो चुके हैं। ए सुन, रात को सुबह पैसा दूंगा ऐसा बोला हुआ था मेरे को तूने। अभी मुझे पैसे दे दो नहीं तो नागमणि के सामने जाना मुश्किल हो जाएगा। पैसा? अरे सीता, ये कैसी बात करता है? ए, मैं इसको जानता नहीं हूँ, कौन है ये? अंजा, मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, शाम तक मुझे मेरा पैसा वापस लौटा देना, वरना ही दिया ना तो मैं बोल रहा हूँ इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो लगता है खून भी कर देगा। अंजा, मैं एकदम हर्ट हुआ एकदम। ये मोबाइल है क्या? हाँ, ऐसा मोबाइल होता है क्या? ये यूज करने लायक है? नागमणि के सामने ये मोबाइल यूज नहीं करूंगा। अरे कौन है वो नागमणि? फालतू बात नहीं कर, शाम तक मेरे को पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए। ये नागमणि को जैसे हम जानते नहीं है। चैत्रा, ये लो इसे। ओके ओके चिल्ड्रन, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, व्हाट इज दिस? डोंट नो, दिस इज बैंगलोर पिज़्ज़ा। ये लाओ, मैं दे देता हूँ। सामने ही खड़ी है, मोबाइल खरीदने का जुगाड़ नहीं हुआ, सामने ही एकदम खड़ी हो गई है। इसकी शक्ल दिख रही है। दादा, कल बहुत बड़ा मोबाइल लेकर ही शॉप में आऊंगा ऐसा बोला था, डायलॉग मार रहा था। किधर है, दिखाओ तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? औकात में रहकर डायलॉग मारने का? औकात नहीं तो चुपचाप रह जाने का, फालतू बकबक करने का नहीं। हाँ मैडम, आप किसको छेड़ रही हो समझ में आ रहा है मेरे को? आप सोच समझ के बोला करो। अरे मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, तुम्हारा नाम भी मैं नहीं जानती, मैं तो राधा से बात कर रही हूँ। ये लो राधा। अरे सुनो, एक दिन सबका समय आता है, अपना भी समय आएगा और मोबाइल खरीद के दिखाऊंगा। नागमणि नाम है, नाग की तरह डसते रहती है। अरे ये नागमणि का टॉर्चर बहुत बढ़ गया है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। राधा, कल बहुत बड़ा मोबाइल लेकर ही शॉप में आऊंगा ऐसा बोला था, डायलॉग मार रहा था। कसम खाता हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही रहूंगा। अरे सुनो सीता। हाँ। ये वीडियो बहुत मस्त है यार, भेज भेज भेज, जल्दी शेयर कर। भेजता हूँ। अरे ये साला चंद्रू है, काम हो जाने के बाद भी ये लेट कर जाता है, उसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो लड़की मिली है ना उसे, वो जरूर पार्क होटल में उसे लेकर घूम रहा है। अरे नहीं, वैसे इस लड़की को मैंने सेटिंग करा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ? अबे तुम खुद अपनी सेटिंग करने वाले थे क्या? हट नालायक कहीं के। देखो आ गया वो। आ जाओ पार्क में चंद्रू, आजकल तुम्हारा चेहरा बहुत चमकता है। हाँ? अरे क्यों, नशे में हो? ए सुन, मेरा पैसा कब देगा? अरे ये कौन है यार, जब देखो पैसा पैसा ऐसा बोल के मरता रहता है यार। देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मेरे पैसे चाहिए, हर हाल में चाहिए मेरे को। नागमणि के सामने जाना मुश्किल हो रहा है। साथ में बात करता हूँ, तुम जरा शांत रहो। तुम लोग ये बकवास करना बंद करो, मेरे को किसी भी हाल में मेरा पैसा चाहिए, बहुत हो गया अभी तुम लोगों का नाटक। अरे ये क्या है यार, कैसी बातें करता है? अरे तू कैसी बात कर रहा है यार? ए, आदमी के अंदर कोई मान मर्यादा होती है कि नहीं? मान मर्यादा जिसके अंदर होती है वो ऐसी हरकत नहीं करता। क्या बड़ी बात हो गई, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ ना यार। बाप वाला काला घोड़ा हूँ मैं, काला घोड़ा बोल रहा हूँ मैं, इज्जतदार खानदान से हूँ मैं। अरे चुपचाप मेरे पैसे मेरे को वापस लौटा दो। तुम लोगों के साथ कोई बेशर्मी रहेगा, अपनी चप्पल निकाल के खुद मेरे को मारना चाहिए। क्यों तुम पैसा पैसा बोल के मरते रहते हो, मैं तुम्हारा पैसा दे देता हूँ। अरे ठीक है यार, दे देंगे ना तेरे पैसे। अरे देखना कैसी बात कर रही है,
चोर कह रहा है ये हमारा फ्रेंड है क्या? चांस ही नहीं है, जो एक बार पैसे देके वापस मांगे वो दोस्त ही नहीं है। अरे यार 500 रुपया देना। तू कौन है? हेलो, हाँ बोलो, मैं अकेला हूँ अभी। हाँ नहीं, मैं नहीं जानता उसे। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? ए चुपचाप सो जा। कमली, कमली क्या हुआ? ए भगवान रक्षा करो। अरे टाइम हो गया है। चंद्रू, ए चंद्रू, ए ए क्यों जगा रहा है? जल्दी 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 उठो, चुपचाप बैठना। आ जा उधर उठो। अरे सोने भी नहीं देते, आराम करो। जल्दी आ जाओ। मैं आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ ना। क्या है? रात भर वीडियो देखते हैं, अभी देखो कैसे बक रहे हैं। अरे क्यों उठे यार? ए रात अरे तकलीफ कुछ भी नहीं है, चल आ जा। हेलो, अरे फ्रेंड्स के बीच में होता रहता है गाली गलौज। अरे हद होती है यार, मांजा। ए क्या रात की बात? अरे चुपचाप बैठना। अरे क्या बात किया तेरे को? अरे चुपचाप बैठो इधर। अरे ये क्या नाटक है? सुबह सुबह की क्या परेशानी? अरे बैठो यार। फालतू में तू भी यार। सुबह सुबह एटीएम कार्ड के लिए लेके आया है, यहाँ पे क्या कर रहा है? लूटेगा क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये लो। तुझे तकलीफ हो रही है तो नहीं रख लो यार, तुम मेरा दोस्त ही है ना, क्या बोलूं यार। सॉरी यार, सॉरी यार। चलो अच्छा चलो। वो नागमणि ऐसा टॉर्चर कर रही है ना, मेरा दिमाग। आजा बैठ जा यार, बैठो बैठो। रियली सॉरी यार। कोई बात नहीं, तू मेरे दोस्त हो यार। दिमाग की दही गाड़ा लेगी वो लड़की ने। लड़की क्या, औरत का औरत, औरत नहीं नागिन है। अभी फोन कर रही हो? कितने बार फोन करो तुमको? अरे 20 मिस कॉल कर दिया तुमने मेरे को। गाड़ी चला रहा हूँ, फोन उठाऊंगा गाड़ी चलाऊं। तुम अकेले ही गाड़ी चला रहे हो, और कोई तो चलाता नहीं है। ये बताओ शादी कब करोगे? मैंने पहले ही बोला था ना, मेरी बहन की शादी होने वाली है, शादी की बात छोड़ दो तुम। अरे कब से तुम्हारी इस बात को मैं सुन रही हूं? अरे बार बार ऐसा बोल के तुम खुद भी टेंशन में हो रही है, मेरे को भी टेंशन दे रही हो। क्या बोला? मर जाएगी, मर जाएगी तो मर जा, जबरदस्ती मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी बोल बोल के मार दिया मेरे को। नमस्ते सर, क्या चाहिए बताइए? एक मोबाइल चाहिए सर। किस रेंज में चाहिए सर? बिलो 20,000 तक चलेगा। ओके, फीचर अच्छे होने चाहिए। ओके सर, वीवो में दिखाऊंगा आपको या कि सैमसंग में दिखाऊं? कौन सा भी चलेगा, बस फीचर अच्छा होना चाहिए। सर इसे देखिए, फीचर बहुत अच्छा है। रैम 8 GB है, 128 इनबिल्ट है सर। ओके सर, विन 19 बेस्ट है ना?
हाँ सर, विन 18 बेस्ट है सर। सर ये 21 में पड़ेगा, वैसे मैं आपको 20,000 में दे दूंगा। ओहो हो, अरे क्यों बहन ये अभी क्यों फोन कर रही है? एक मिनट। ओके सर। हेलो। हेलो भाई। हाँ बोल। भाई मैं एग्जाम नहीं लिख रही हूँ। क्यों? हाँ भाई फीस नहीं भरा है इसलिए मैं एग्जाम नहीं लिख रही हूँ। एग्जाम नहीं दोगी क्या? हाँ भाई। किस लिए? भाई फीस नहीं भरा तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। एग्जाम फीस भरना है? हाँ भाई। कितना बताया तुमने फीस? 20,000। 20,000? ठीक है, मैं अकाउंट डिपॉजिट करता हूँ, एग्जाम की फीस भरता हूँ। ओके ठीक है, ख्याल रखूँ। सॉरी यार। इट्स ओके, थैंक यू सर। लगता है मेरा टाइम ही ठीक नहीं चल रहा है, कम से कम उसका तो एग्जाम हो जाए। किसी का तो टाइम ठीक हो, अपना तो टाइम ही खराब चल रहा है। How you all are today, ding dong? What doing you all, ding dong? No customers? No sir. सर, कस्टमर सभी यहीं थे, अभी हाँ, अभी गए। हाँ सही बात है सर। कस्टमर हो या नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ। See, customer service, you are not doing. I will teach how to keep customer and people here. Okay, now shit. Okay, sir. Just a minute. I will go toilet, do the shit, and I'm coming. Okay, done? Okay. Yes, sir. Okay. Today is rain coming, and I am shitting. Yeah. I'm so happy now. I'm all empty. ओके, तो मैं कह रहा था कि फर्स्ट कस्टमर सर्विस डिसिप्लिन, देन कस्टमर्स आइंग, फूडिंग, प्रॉपर ड्रेस। सर जी, हे शिट, सर जी, जब देखो बीच में। हाँ ओके चंद्रू, हाँ कम सिट। ओके सर। आई टीचिंग हाउ टू कस्टमर सर्विस, अंडरस्टूड चंद्रू? सिट चंद्रू। ऑलवेज पीपल कमिंग गोइंग सिटिंग, यू फर्स्ट वियर ड्रेस प्रॉपरली, यू अंडरस्टूड? ओके, देन यू हैव टू डू इट। यू सर जी, हेय सिट, लाफिंग, कोई मर गया है क्या? आप सब लोग इम्पोर्टेंट कस्टमर, पीपल कमिंग, टीच, ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। सर जी आपकी जिप खुली हुई है। सर, जिप खराब हो गई है क्या? Hey, idiot, stop it, talking nothing, always go and get lost to service people. I'll come evening. ठीक है सर। अरे वाह वाह वाह, रिलीफ हो गया अब। प्रॉपर तरीके से यही शांति मिलती है, ये टॉयलेट सबसे अच्छी जगह है, यहाँ बहुत शांति की जगह। ये सब लोग कहाँ चले गए? फोन करता हूँ उन्हें। अरे किसने फोन कर दिया ये दिमाग खराब करने? अरे इस वक्त इसने फोन क्यों कर दिया दिमाग खराब करने? हेलो, किधर हो भाई? हाँ मैं कबाब बना रहा हूँ इधर। हैं? थोड़ा सा मेरे लिए भी बना यार। थू, नाला कह के मैं टॉयलेट में हूँ। कम्बक तो टॉयलेट में है। ये पिज्जा ओनर ने कैसे कैसे लोगों को ये घर दे रखा है, ठीक से सोने भी नहीं देते मुझे, मैं चुपचाप सो जाता हूँ। साला हरामखोर, इस जगह में भी ठीक से रहने नहीं दे रहा है। चंद्रू किस लिए फोन कर रहा है? हेलो। हाँ मंजा, किधर हो? अरे घर में हूँ, बोलो यार। अरे वो जो तुमने पैसे दिए थे ना मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल नहीं ले पाया। क्या हुआ? अरे वो जो मेरी बहन है ना, उसको अर्जेंट पैसे चाहिए थे एग्जाम के फीस देने के लिए, पैसे मैंने उसको दे दिए इसलिए फोन नहीं ले पाया। अभी यहाँ पे आया नागमणि के सामने। जाने दो, दूसरा फोन ले लेंगे, दिमाग खराब मत करो। अरे यार ये मेरा कचरा बनता रहेगा नागमणि के सामने यार। इस वक्त में उसके बारे में सोचो मत यार, मैं किधर हूँ तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ए, उसको ठीक से पाठ सिखाता हूँ मैं, तुम छोड़ो मैं उसे देख लूंगा। चल रखता हूँ यार। you
नीचे कैसे गिर गया? हवा से गिर गया होगा। अरे यार टाइम खराब चल रहा है। ये क्या हो गया? लॉक कैसे हो गया? डोर लगता कोई अंदर है नहीं लगता। अरे यार ये क्या फंस गया मैं। अरे मांजा, अरे सीता, अरे ये क्या दरवाजा खुला रखा है? मांजा कौन है अंदर यहाँ पे? अरे तुम लोग अंदर हो क्या? अरे यार फट रही है मेरी यार, डोल क्यों खुला रखा हुआ है? अरे यार, अरे वो मांझा, अरे मांझा यार, छोटे बच्चों जैसा डर रहा है यार। अबे हार्ट अटैक आ जाता मेरे को। मंजा क्या डर रहे थे तुम मुझे यार? ये क्या केक काट रहे हो? मुझे काट दिया। तुम्हारी लाइफ में पूरा याद रहना चाहिए। डरा दिया मेरे को फालतू में। जाल निकाल दी मेरी। अरे चलना काटना केक काट बोल रहे हैं हाथ का। हैप्पी बर्थडे में क्यों आग लगा रहा है? पागल है। चल तू केक काट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। खा ले तू, खा ले। हैप्पी बर्थडे। अरे जान ले ली अभी केक खिला रहे। बहुत हद से डरा दिया तुम लोगों ने मेरे को यार। सच्ची में मर गया होता बर्थडे के दिन ही। मंजा थैंक यू सो मच यार, लेकिन तुम लोग मेरा बर्थडे तो याद रखा यार। दोस्त दोस्त होते हैं। थैंक यू यार। लिखा हैप्पी बर्थडे। अब थोड़ा डरना कम कर। अरे लम्बे गिर गया है, कुछ भी करने दो इसे। और लोगे एकदम राइट। अरे अबे अबे यार। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है अब तुम खाओ आराम से। अच्छा सुनो, पिज्जा लेके आता हूँ तुम लोग के लिए। पिज्जा ना बाहर स्कूटर में पड़ा हुआ है, भारी है एकदम।
इधर बाहर पड़ा है, लेकर के आता हूँ तुम लोग के लिए। ओके ना, तुम लोग बैठो, मैं लेके आता हूँ। बैठो बैठो बैठो, खाओ केक खाओ, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। अरे यार ये बैग इधर कैसे आ गया? अरे मोबाइल, ये मोबाइल इधर कैसे आ गया? ये कैसे मोबाइल आ गया? राजा क्या हुआ? तो मेरे बैग के अंदर किसका मोबाइल आ गया यार? राजा अरे मोबाइल मिला तो रख रहा यार। अरे मोबाइल तेरे को समझ में नहीं आ रहा किसका मेरे पास आ गया? चाहिए बोल चैत्रा जी सर, इस बच्चे को हमारे हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए डलवाओ और इसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। श्योर। यस सर। कम यार। ओके सर, बोलिए सर, इंग्लिश में पढ़िए सर। टुमारो वी आर ऑल गोइंग ट्रिप। ओके सर। ओके नो शरीफ। ओके सर। ओनली वीक। ओके शरीफ विल टेक इन चार्ज स्टोर। ओके सर। आर यू पॉपी? पॉपी आर यू? पॉपी 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 सर। सिद्धू उस दिन स्विमिंग पूल के पास तुम्हारा जो वो टाइगर मुझे ही देख रहा था ना, ऐसा लगता है उसे आपसे लव हो गया है मैडम। अरे तुम चुप करो, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा क्यों? हमारा बॉस दिखने में अच्छा नहीं है क्या? अरे बाप रे, उसकी शर्ट, उसकी पैंट, उसके हलचल, उसकी ड्रेस तो बंदर जैसी थी एकदम देखने में। कार्टून लग रहा था। सर आप हीरो जैसे दिख रहे हैं सर। यू इडियट, rascal, nonsense, I call you, get lost, go and do your kelsa, nonsense, your friend hogling me and backstabbing me, Chandru, where is Chandru, jaldi bula use mere samne, nonsense, sir, aapko freezer mein rakhiye sir, nonsense, haan bolo yaar, idhar ho tum, bus stop pe khada hu, tu aa ja yaar, bahut der se intezar kar raha hu yaar। ओ, आ गए हो क्या? अरे मैं, अरे यार इधर ही है तू भी। अरे कब से खड़ा इधर? तुम कैसे हो? कहाँ ढूंढा यार तेरे? हाँ यार गांव जा रहे हो यार। सीता भी इधर ही है? सीता इधर ही बस स्टॉप पे है। बस में है क्या? हाँ हाँ, एक एक करके सब जा रहे हैं। आजा, जाके आएंगे ना फिर। ए टाइगर छोड़ता नहीं है, सीधा खा जाएगा। अच्छा उसे जाने दो। अच्छा वो लड़की तुम्हें फोन क्यों नहीं कर रही है? अरे यार वो बहुत बड़ी समस्या है यार, फोन करके शादी करो करके परेशान करते रहती है। दिमाग की दही कर डाली यार एकदम। मेरा फोन ना, फोन स्विच ऑफ कर दिया, वो फोन को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन वो लड़की ने ना खुद का दिमाग स्विच ऑफ नहीं किया। अरे जाने दो, छोड़ो, पहले जल्दी से शादी करो, नहीं तो वो भी निकल जाएगी। मिलते हैं। चल यार अच्छा, ठीक है फिर से मिलते हैं। अपना चलो ख्याल रखना। हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। भाई ख्याल रख मजा। चंद्रू, आखिर तुमने शादी नहीं की ना?
उससे तुम्हें शादी करना चाहिए था चंद्रू। आओ चंद्रू, मैं ही हूँ, आ जाओ, मैं तुझे लेने आई हूँ चंद्रू, आ जा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी चंद्रू, मुझे धोखा दे दिया ना, मैंने कितना प्यार किया था तुझसे, आखिर मैं मर ही गई, मैं भी लेकर जाऊंगी तुझे। कोई अंदर से आवाज दे रहा है क्या? मैं तुझे साथ लेने के लिए आई हूँ चंद्रू। आओ चंद्रू, चंद्रू मैं इधर ही हूँ। चंद्रू मुझे डर लग रहा है चंद्रू, मैं अकेले पड़ गई हूँ, इधर आओ ना चंद्रू, तुम आओ ना चंद्रू, इधर आओ ना चंद्रू, चंद्रू। अरे उठाओ उसे, दोस्तों हमारी बी टीम यार्ड और आसपास रहने वाले हमारे इलाके में से एक बच्चे और अगल बगल में रहने वाले बच्चे और महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बलात्कार हो रहा है, ये हमारी संज्ञान में आया है। इस पर हम कड़ी नजर रखे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन लोगों के लिए कानून के मुताबिक जो भी सजा देना हुआ हम जरूर देंगे। कोई भी इस बात को लेकर पैनिक मत होए, हमारे इलाके के ऊपर आपका भरोसा बना रहना चाहिए। हम भी आपकी रक्षा के खातिर कफन बांध कर खड़े हैं, आप लोग डरिएगा मत। ऐसा इस संदर्भ में हम आपसे विनती करते हैं, पुलिस का सहयोग बनाए रखें और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर पुलिस से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। यार क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई, यार छोड़ दो मुझे। अरे यार, अरे बात बताओ यार, मेरे पीछे यार छोड़ दो मुझे यार। बड़ी है यार, कोई तो फोन उठा। अरे यार ये कहाँ फंस गया यार मैं, यार ये क्या ना इंसाफी हो रही है। अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, अरे फोन उठाओ यार। अरे अरे चंद्रू मैं इधर ही हूँ, मैं इधर हूँ, इधर देखो चंद्रू, इधर देखो, अरे पीछे हट यार, इधर हूँ, इधर मेरी जान के पीछे क्यों पड़े यार, अरे प्लीज प्लीज। अरे यार क्या हो रहा है यार, ये कॉल है मेरे पीछे, कॉल पड़ा है यार। अरे यार
यार फोन तो उठाओ यार, अरे यार कोई फोन भी नहीं उठा रहा। अरे हेलो, अरे यार कोई फोन उठाओ यार, मैं फोन कर रहा हूँ यार, फोन भी नहीं उठा रहा कोई। यार मेरी पड़ी पड़ी है यार, सो जाओ, मैं बहुत डरा हुआ यार? यार कैसी मजाक कर रहे हो? अरे यार मेरे पीछे कोई पड़ी हुई है यार, मुझे परेशान कर रखा है मुझे यार। बात कर रहे है तू रात में? यार कोई चुड़ैल है यार, चुपचाप सो जाओ, चलो गुड नाइट। अरे काहे का गुड नाइट यार, मेरी इधर पड़ी पड़ी है यार। मारो मार की रही, अरे 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 मार कर रही है यार, अरे मार रही है, कितना मारेगी? थप्पड़ पड़ रही यार, मेरे थप्पड़ थप्पड़, अरे वो मार रही है कि मैं अपने आपको मार रहा हूँ? अरे अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या मजाक, अरे 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 मैं अपने आपको मार रहा हूँ। सीता जल्दी आओ, चलो रात में चंद्रू ने फोन किया था यार, जल्दी चंद्रू क्या हो गया यार, चंद्रू क्या हो गया, चंद्रू 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 क्या हुआ, चंद्रू चंद्रू क्या हुआ, चंद्रू क्या हुआ, चंद्रू जय चंद्रू, चंद्रू चंद्रू को क्या हो गया यार, चंद्रू को क्या हुआ, चंद्रू उठना उठना, चंद्रू 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 तू कैसा है यार, चंद्रू भूत है यहाँ पे, अरे भूत प्रेत नहीं है यार, अरे यहाँ भूत है यार, ए चंद्रू तुझे कुछ नहीं हुआ है यार, चल तुझे ना हम लोग अस्पताल में भर्ती करते हैं, चल अब तुझे अस्पताल लेके चलते हैं। अरे मैंने सच में इस घर में भूत देखा यार, अरे कोई भूत प्रेत नहीं यार, पहले हॉस्पिटल चलो, बहुत डर लग रहा है यार। अरे किसी भी बात को लेकर डरो मत, अपने बेड सर्कल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हम लोग है ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, हाँ, बोल रहे हो यार, किधर की दिखाई दे रही यार, ये तुम्हारा भ्रम है यार, वो चुड़ैल बन गई है। अरे ये चंद्रू जैसा दिख रहा है, कैसे हो आप? अरे तुम अच्छे हो क्या? मैं ठीक हूँ, अरे आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे मैं खुद आपको ढूंढ रहा था। नहीं कहीं... मैंने कल छुट्टी लिया है। आप दिखाई नहीं दिए इतने दिनों से इधर। अरे वो लड़की से आपने मिलवाया था ना? हाँ। वो लड़की के साथ लव वाली बातचीत चालू हुई, फिर वो फोन कर रही थी मेरे को रेगुलरली, फिर एक दिन वो फोन के ऊपर कुछ सुसाइड वगैरह करेगी ऐसा बोल दिया उसने मुझे, ऑफर फोन करना बंद कर दिया। क्या सुसाइड कर लिया? अरे वो ऐसा करने वाले में से नहीं, वो आ गई है वापस से भूत बन के मेरे को परेशान कर रही है। अरे नहीं तुम मर्द हो, इस 21वीं सदी में तुम भूत प्रेत पे भरोसा करते हो ये तुम्हारा भ्रम है, कुछ सोचो मत। अरे भ्रम नहीं, मैंने उसको देखा हुआ है, वो आकर रोज मेरे को परेशान कर रही है, एकदम चुड़ैल बन के पीछे पड़ी हुई है, आप समझो मेरी बात, मैं क्या, मेरे पीछे पड़ गई है वो एकदम, मेरी जान के पीछे पड़ गई है वो एकदम। अरे नहीं यार वो मर गई है ऐसा बोल रहे हो, मर्डर हो गया है ऐसा तुम्हारा भ्रम है, तुम ऐसे कैसे कंफर्म बोल सकते? मैं कंफर्म बोल रहा हूँ सर, मैंने उसको देखा है, उसका फोन मुझे मिला था और वो फोन के अंदर जो है ना मुझे कंफर्म मालूम है कि ये उसी का है, और आपके पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है ना तो मुझे पक्का देना सर, वो वही लड़की है, वो मुझे फोन करती थी, फोन करके मुझे बोलती थी शादी करो शादी करो, और मैंने उसकी बात को माना भी, लेकिन बाद में मैं परेशान हो गया। अरे चंद्रू तुम हिम्मत रखो यार, किससे मिलना है आपको? सर डॉक्टर से मिलना है सर। मैडम आपसे मिलने के लिए एक पेशेंट आया है। अंदर भेजो। एक्सक्यूज मी मैडम।
भूत है। अरे अरे उसे घर लेकर आओ। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, आप अंदर आइए, अंदर आइए, आप अंदर आइए, आप अंदर आइए, डॉक्टर के पास आइए, आइए, चलिए अंदर, चलिए चलिए अंदर, चलिए, आप घबराइए मत। इतना क्यों शोर मचा रहे हो? अरे तुम मरे नहीं क्या? अरे तुम ही मर गए हो क्या? है यार, कभी तो मुझे देख के तुम खुश हो जाया करो, या किसी भूत को देख लिया जो इतना शोर मचा रहे हो? अरे तुम्हें देख के मैं भूत समझ गया। मैं क्यों भूत बनूं? तुम ही इतने बड़े। अरे कहाँ चली गई थी तुम? अरे नहीं यार, मैं फॉरेन चली गई थी प्रोजेक्ट के सिलसिले। फॉरेन गई थी? मुझे तो तुम भूत बनकर मेरे पीछे पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, जगह जगह तुम ही दिख रही थी एकदम चुड़ैल बनके। अरे वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? अरे फिर वो कौन है जो भूत के रूप में मुझे दिखाई दे रही है? तुम्हें तो एक अच्छे ट्रीटमेंट की ही जरूरत है। मुझे भूत दिखाई दे रही है, सच बोल रहा हूँ, प्लीज समझ लो मेरी बात, तुम मुझ पे भरोसा करो यार, फ्रेंड हो मेरी, भरोसा करो मुझ पे। सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कुछ नहीं, वर्क टेंशन है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हो, बस इतना ही। तुम एक डॉक्टर की तरह बात मत करो मेरे साथ। ठीक है, एक काम करो, जो मैं टैबलेट देती हूँ उसे अच्छे से खा लो। कौन सी टैबलेट? अरे फिर भी तुम्हें कोई भूत वो दिखाई दिया तो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, तुम्हें टैबलेट भी खिला देती हूँ। टैबलेट नहीं चाहिए मुझे, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो भूत दिखाई दे रहा है वो एकदम सच बात है। अपना मुंह बंद करो। चलेगा, जो टैबलेट देना दे दो। ठीक है, तुम्हारे चैन के लिए टैबलेट लिख कर देती हूँ, ले लेना। दे दो दे दो। अरे मजा कहाँ रखा है उस सिल्की आटा को? मांझा, मैं इधर हूँ चंद्रू, आओ चंद्रू, आओ चंद्रू, अरे तुम नीचे उस काले गोनी को देखकर डर गए हो, डरपोक कह के। चल यार, सच बोल रहा हूँ, चल डरपोक, जल्दी सुपर चल। मैंने कुछ देखा उधर। हेलो, कल जो तुमने मुझे टैबलेट दिया था ना, वो टैबलेट खाने के बाद भी वो मुझे दिखाई दे रही है यार। मैं जितना सोच रही थी तुम्हारा दिमाग तो उससे भी ज्यादा ही खराब हो गया है। अरे मेरी बात पे भरोसा नहीं करती क्या? अरे कल ही तो टैबलेट लिख कर दिया था ना, इम्प्रूवमेंट होने में टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा समय तो दो तुम। अरे उस टैबलेट से जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है मेरे अंदर यार। अब तुम बकवास बंद करो, मैंने जो तुम्हें दवाई दी है उसमें थोड़ा समय लगेगा, ये फाइनल है। एक काम करते हैं, तुम अपने काम से जरा छुट्टी ले लो, हम आउटिंग पे चलते हैं। आउटिंग? चलो शुभ रहो यार। तुम्हें उस घर से प्रॉब्लम है ना, तो उसे छोड़कर निकल जाएंगे, क्या बोलते हो? ठीक है, जो तुम कहोगी वही करेंगे हम लोग। यार अगर वो हमें मिल गई तो आ जाओ, आ जाओ, भूत दिखाता हूँ तुमको अभी मैं। हाय मंजा, चंद्रा, हाय, नमस्कार, और कैसे हो? अच्छे हो ना? तुम लोग और बताओ, हमारा दोस्त कैसा है? ठीक है। अरे वो कुछ तो बोल रहा था भूत देखा करके, बस डरता रहता है, डरपोक कहीं का।
मैं एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हूँ, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब अरे गलत यार, है। जब से इस घर में हम आए हैं तब से ये बोल रहे हैं कि भूत है प्रेत है, ऐसा बोल रहे हैं। तुम लोग को जो कुछ बोलना है बोल लो तुम लोग, लेकिन आज मैं तुम लोग को ये साबित करके रहूंगा कि यहाँ पे भूत रहती है। अच्छा, अरे अगर वो मुझे मिल गई ना, मैं उसे अपने पैरों तले यूं कुचल के रखूंगा। ये हुई ना वाली बात। और अगर भूत हुई भी तो मेरे पास नहीं आएगी, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि भूत है ही नहीं। बोल ले बेटा बोल ले। अरे यही सच है ना, डरपोक है, इतना डरता है ना ये पागल। अरे यार इसको दिखाई दे रही है और हमें नहीं दिख रही है, ऐसा बोल रहा है। अरे भाई स्नैक्स खा लो और आराम से सो, ठीक है? चलो वैसे सुनो दोस्त, अरे वो मिले तो खाते हो ना? अरे वो खाएगा, रख लो। ये बेटा इतना डरता है ना भूत से। ठीक है हम लोग चलो सोने के लिए जाते हैं। वैसे सुनना, तुम लोग दोनों कहाँ सोने वाले हो? चलो आज दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, दिखाने के लिए बोला तो बोला था ना भूत दिखाने की, दिखाओ। अभी भूत देखोगे ना तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे एकदम। हाँ हाँ देखती हूँ। अरे यार यहाँ तो काफी अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे यार कुछ दिख नहीं रहा है। ये ग्लास कैसे आ गया हाथ में? अरे ये समझ नहीं आ रहा, ये ग्लास बार इन लोग को समझाया कि यहाँ पे भूत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है भूत है। गीता इधर आओ, देखो गीता सुनो इधर आओ। ये भी ऐसा आदमी है ना, आ गई हूँ चलो। दिखाता हूँ तुमको भूत किधर है, देखो। अरे इधर ही बिस्तर के ऊपर रखी थी ना, दिखाई नहीं दे रहा है। ओए मगा भूत दिखा तेरे को। अरे ये भी चिल्लाता ही रहता है, मैंने इधर ही रखा था, कहाँ चली गई गीता? हे भगवान, अरे इधर ही रखी थी, कहाँ गायब हो सकता है? तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार। के नीचे तो नहीं चला गया क्या? चलो देख लेते हैं। शायद इधर होगा, देखती हूँ। जीता, चंद्रो, चंद्रो, सुनो सीता, सीता, अरे किधर हो तुम लोग? सीता, 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 अरे भूत प्रेत कुछ भी नहीं है यार, सीता। अरे चोर खेलेंगे। अबे चोर कह के यहाँ आके छुपा हुआ है। ओ यहाँ भूत प्रेत कुछ भी नहीं, तुम यहाँ के छुप गए हो। ए डरपोक। अरे सीता वो लोटा गिरा यार। मंजा, 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 मंजा। मैंने बोला था ना यहाँ पे भूत है, तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे। अरे बाप रे बाप, मैंने बोला था ना, बोला था इधर भूत है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने बोला था भूत है, लेकिन तुम लोग को मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। भूत है इधर, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, बोल रहा हूँ तुमको, भूत है इधर, मैंने खुद देखा था भूत है इधर। अरे वो इधर आ गई है यार, छोड़ेगी नहीं हम लोग को, वो फाड़ देगी हम लोग को यार। मैंने बोला था तुम लोग मेरी बात नहीं माने। अरे देख देख के जो जो जोड़ने सांस ले रही है, बाप रे यार, कुचल भी ले लेगी हमें। अरे भूत को कुचल कुचल के मार डालने की बात कर रहे थे मैडम जी, ये बोल रहे हैं कि आपको मार डालेगा।
इधर आपके जात की लड़की बैठी है, इसको ले जाइए। नमक मिर्ची भी ले लगाएगी, चिंकू भी ले लगाएगी, खा जाएगी। अरे यार ये मेरे पीछे बड़ी है, ये फोन वाली ऊती है, ये वही ऊत है फोन वाली। मैं पहचान रहा हूँ इसकी शक्ल, अंदर में भी दिखाई दे रही है। मैं रुद्री हूँ। रुद्री, रुद्री, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। अरे जब तुम मर गए हो तो हमें क्यों मार रही हो? चंद्रु भाई, उसके पास जो मोबाइल है मेरा है, मेरा है। हाँ मेरा ही है। अरे वो बोल रही है मोबाइल उसका है, 6 मंथ हो गया उसके इधर आकर के, उसका टॉक टाइम खत्म हो गया है। तुमको प्रॉब्लम क्या है? बताती हूँ भाई। अरे वो इंसानों के सभी बच्चों को अगवा कर लेते और किडनी बेचते हैं। इस गैंग के लोग बच्चों को अगवा करते हैं, छोटी उम्र की मासूम लड़कियों के साथ रेप करते हैं। नादान मासूम लोगों को बलात्कार करके बेरहमी से मार देते हैं। कुछ लोग इसे देखकर डर जाते हैं और इस डर के मारे मर भी जाते हैं। ये सब के सब पापी हैं, गरीबों पे भी तरस नहीं खाते। बता अपनी कहानी यार, कौन है तुझे मारने वाला? मैं एक जगह पे काम करती थी, वो दो मुंह वाला जानवर है भाई, दिखने में बहुत अच्छा इंसान लेकिन वो बहुत ही घटिया काम करता है। तो हमारे पीछे की बड़ी है। वो एक नर राक्षस है, काम कुटुर राक्षस है, इंसान के रूप में जहरीला सांप। एक दिन जो नहीं देखना था वो देख लिया। एक लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसे मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। कॉर्पोरेट सूर्य ठाकुर एक अनाथ लड़की का रेप कर रहा था। वो
ऐसे ही मारा था मुझे भाई। इस एविडेंस को पुलिस और मीडिया को दे दो। ये सूर्य ठाकुर जो है ना, बहुत बुरा आदमी है। ये पुलिस वालों को दिखा दो, इन लोगों की गैंग बहुत बड़ी है, इसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। इतने सारे लोगों को किडनैप करके डॉक्टर को अपने हाथ में रखे किडनी की स्मगलिंग की, ऊपर से इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, फिर भी ये लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं। अरे क्या बोलूं मैं, तुम बहुत ही बड़े कलाकार हो यार। एक्सक्यूज मी सर, सर राणा जी आए हुए हैं। हाँ भेजो उन्हें। सूर्य ठाकुर और उसका राइट हैंड राणा, सब लोग एक टीम होकर इस तरह के काम कर रहे हैं। इन लोगों को खत्म नहीं किया तो इस तरह के काम को करके पैसा कमाते रहेंगे। इसका अंत होना जरूरी है। इन लोगों का राज कब खत्म होगा? इनको खत्म करने वाला कौन है? आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस वीडियो को किसी भी तरह पुलिस और मीडिया के लोगों तक पहुँचा दो। वो कैसा आदमी है सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अरे वो कॉर्पोरेट का आदमी है, ये बेचारी हमको कुछ करने नहीं आई है। इस मोबाइल के अंदर वीडियो है, वो चाहती है कि ये वीडियो हमको पुलिस को देना है। इसको हमको इंसाफ दिलाना है यार। मांझा तू लैपटॉप लेके आ, टीवी ऑन कर, हम लोग ये सब दिखाते हैं पुलिस को, बुला बुला के दिखाते हैं पुलिस को। हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं हम लोग। मांझा बेचारी की लड़की की कहानी सुनकर ना पता चल रहा है ये कॉर्पोरेट वाला ना एकदम हैवान आदमी है, बेचारी की जिंदगी खराब कर दी यार। अरे ये फोन किसका है? लगता है कॉर्पोरेट वाले का फोन है, उठा कर देख। करके धमका रहे हो? अबे हेलो, कहाँ है बेटा? तूने क्या सोचा था उससे बच के निकल जाएगा? आता हूँ मैं, आता हूँ। तू फोन करके धमका रहा है, आती हूँ। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो इंतजार कर। क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? क्या किया तुम? अरे मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? क्या कर रहा था? उस कॉर्पोरेटर का गाली क्यों दे रहा? मैंने कुछ नहीं किया, लगता है उसने मुझसे करवाया। अरे तूने गाली दी है उसे? क्या, मैंने गाली नहीं दी है यार। तूने क्या किया? छोड़ दो यार मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे यार। मैंने कुछ नहीं किया यार। छोड़ दो मुझे यार। मैं कुछ नहीं करता यार, मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो यार। छोड़ दो सर। अरे अरे मेरा बच्चा, छोड़ो छोड़ो बोल रहा है यहाँ, तुझे छोड़ दूँ? अबे मैं कौन हूँ जानता है क्या? सूर्य ठाकुर जो सूरज को ही टॉर्चर देता है, मैं तुझे जाने दूंगा क्या? हे राणा, मार के गाड़ दो इसको। और छोड़ दो प्लीज सर। शेर के हाथ में हिरनी को दे रहे हो बॉस, दौड़ा दौड़ा के मार के उस चमड़ी को कुत्ते को खिला देता हो। राणा राणा, ये शिकार मेरा है। अरे यार, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो यार? Ah!
जिस हरामखोर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स रख के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, वो मोबाइल और उस मोबाइल में पड़ा MMS पूरा डिलीट कर दो। ए राणा, ये हरामखोर तो मर चुका है, इसको ले जाके किधर फेंक दे। मर गया साला। कमजोर पे जुल्म करना तुम्हारी आदत है, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगी। बच्चे लोगों को नहीं छोड़ते हो, गरीब लोगों की जिंदगी खराब करते हो, गरीबों की किडनी बेचकर पैसे कमाते हो। तुम सालों को शर्म मारी चाहिए, राजकरण के व्यक्ति बन के कसाईयों वाला काम करते हो तुम, भिखारियों को भी नहीं छोड़ा तुमने। मार डालो इसे, छोड़ना मत। अत्याचार के वीडियो मैंने पुलिस और मीडिया को दे दिए हैं, अब बोलो क्या करोगे? हमारे इलाके में जो पहले कॉर्पोरेटर था वो अच्छा इंसान नहीं था, भरोसे के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उस पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन अंत में उसके साथ वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था, हमारे इलाके से एक खतरा हटा। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारी पुलिस आपकी रक्षा के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखें और आपसे अपील है कि पुलिस का सहयोग बनाए रखें। सर, सर, चंद्रू सर। क्या बात है भाई? शेट्टी सर ने आपके लिए लेटर भेजा है सर। शेट्टी सर ने लेटर दिया? वो कहाँ से चले गए? वो हॉस्पिटल गए हुए हैं सर। हॉस्पिटल में? उनको क्या हो गया? पता नहीं सर, आपको लेटर पढ़ने के लिए बोला है। ठीक है भाई। जी सर। देखता हूँ मैं। चंद्रू नमस्कार, मैं हूँ अंजन आबाद शेट्टी। बोले तो कौन? टाइगर शेट्टी, आपको पत्र लिख रहा हूँ। प्रदर्शन संगठन के लोगों की वजह से, मेरे सर पर मार की वजह से
मैं बहरा हो गया हूँ, इस वजह से फोन पर तुमसे बात नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुम्हें लेटर लिखा। हिंदी सत्य है और हिंदी जिंदगी है, ऐसा सोच कर जी रहा हूँ। मेरी इंग्लिश की मोह की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। आज मेरे इंग्लिश की मोह भी मर गई। आज इसी वजह से मुझे परम ज्ञान मिल गया। तुम जिस लड़की से प्यार कर रहे थे वो गीता कोई और नहीं, मेरी बेटी है। अरे इनकी बेटी है क्या? अरे बाप रे। सही है। ये बात मेरी बेटी से मुझे मालूम पड़ी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मेरी एक मांग है, तुम लोगों से पैदा होने वाला बच्चा उसका हिंदी में ही नाम रखना, क्योंकि हिंदी सत्य है और हिंदी ही नित्य है, सुंदर से भी बहुत बड़ा सुंदर। जय हिंदी, जय हिंद। We'll be right back.